डॉक्टर की कितने दिन हो गए दवाई खाते? अल्सर कैसा होता है आपको? जलन होती है और आग लगती है और बाहर फेंकना पड़ता है। अभी आग लग रही है, यहाँ से जाओ वहाँ तक तीन पैर मारो ऐसे जमीन पे, पहले तीन राउंड जैसे बताया था मैंने माइक में। बोलिए शनिदेव महाराज की। आंखें बंद करो, महसूस करो कहाँ लगे। नीचे तक लगी, आप कौन सी बार आए? चौथी बार आए। आपको सारा यही है, बताया आपको निगेटिविटी है, बताया था ना सामने, क्या बताया था? ये दोनों चीज़ें इसी का कष्ट है और कोई आपको रोग ही नहीं है। तो आपको आते रहना, आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आओ ठीक है, आना ही आना है, रुकना नहीं है, घर से रहना नहीं है, आना है जब तक बिल्कुल पूरे ठीक हो। ठीक है, डॉक्टर से कितने साल हो गए दवाई खाते? 12 साल में 1 रुपये का 1 रत्ती का आराम नहीं पड़ा है आपको, आपको ये बात पता होनी चाहिए। कौन कौन से डॉक्टर को दिखाया बताना आप जरा। कोई अल्सर नहीं है तेरे को? मैं कैसे दिखाता हूँ तेरे को? पेट में जलन होती है ना, मुंह खोल, अंदर ले जा हवा सारी, तेरे को जलन होनी बंद हो जाएगी, 4-5 दिन नहीं होगी, फिर मुंह खोल। बोलिए शनिदेव महाराज की। गई अंदर, अब देख क्या उथल पुथल होती है उसको महसूस कर, आंख बंद करके गौर से अपने शरीर को। क्या हुआ? होगी ना उथल पुथल, अब कर आंखें बंद कर। जय शनिदेव बोले जा अंदर ही अंदर। पेट में आग लगी ना, यही अल्सर है, यही जलन है और कुछ नहीं है। अभी आंखें बंद कर, थोड़ी देर में बिल्कुल शांत होता है मामला। पेट में ही तो बैठा है, पेट में ही आ गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मन भैया जी की जय। शनिदेव 12 साल नहीं, 1200 वर्ष भी दवाई खाओगी तो भारत के डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। पेट की बता, हाँ तो उसको कहीं बैठने देगी टिकने देगी कि नहीं? चैन से जब तेरे से रमा हुआ है तो तेरे शरीर में, तब वो रमा हुआ कटेगा, उसको काटना ही है मेन, उसी के लिए पूरी प्रक्रिया है मेरी, उसी के लिए 8 हवन है और उसी के लिए 8 बार के बाद भी आना है, नहीं समझे आप? आगे ना 12 साल हो गए ना दवाई खाते, कोई डॉक्टर छोड़ा है आपने? कितने बड़े बड़े ज्यादा ही लगा लो, मेरे लड़का 18 साल। कितने 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 लाख रुपए की दवाई खाई है बताना? लाख का तो पता नहीं, लेकिन मेरे शरीर का कष्ट बढ़ा ही बढ़ा है। घटा नहीं ना? अब तो मेरे को ये बता दे, तुझे अल्सर महसूस हो रहा है क्या? फिर खूब पेट को दबा ले, खूब सारे काम कर ले, आपको कोई अल्सर नहीं है, ना था ना है ना होगा, आपको एक ही रोग है। अभी तक मेरी भूख का असर है, पता चल रहा है ना अंदर? फिर जब किसी के कान में मार देता हूँ वो शरीर में पूरे में उतर जाती है, तो मुँह में मारी हुई कहाँ उतरेगी? पेट में, और पेट की एकदम से सारी चीजें घुल 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 होके क्या हुआ, जैसे इनो असर करती है, हाँ आग लग रही है, बुलबुले से उठे, अब दर्द कहाँ बताओ? वाह, एक राउंड मार के आओ।
अब है कमर में दर्द, ये सारा रोग ही है, ये जो है सब डुप्लीकेट है। सोचो अभी देखो ये कैसा उतरेगा, जाएगा कुत्ते की तरह भागेगा। आप देखोगे आपको कोई रोग ही नहीं था, आप खामखा में दवाई खा रहे हो 12 साल से। अच्छा ये रोग भी सारे हैं। 12-14 साल पहले आप पतले थे, बहुत पतली थी, अब बहुत मोटी है। क्यों है भाई मोटी? दवाई खाई है, दवाई खा रही है इसलिए वजन बढ़ा है। अब दवाई छोड़नी है बिल्कुल पूरी की पूरी। मुझे नहीं पता इसी से सब कुछ होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं ये जानता हूँ। आगे ना आपको निगेटिविटी है, इस टाइम आपको कोई रोग नहीं है। इस टाइम आप अपने शरीर को महसूस कर रहे हैं, ये कुछ भी कर सकता है। इसका नाम है प्रेत। डॉक्टर की इतनी सी नहीं चलने देना, 1 लाख नहीं 1 करोड़ भारत के डॉक्टर इसके सामने मूर्ख है। बता दिया ना मैंने आपको, इसकी इतनी होशियारी नहीं है किसी डॉक्टर में आज तक, ना बनी है ना पैदा होगी। ठीक है, वो पेट का इलाज करेगा ये छाती में आ जाएगा, ये छाती का इलाज करेगा ये कंधों पे चला जाएगा, वो कंधों का इलाज करेगा वो सर में चला जाएगा, वो सर का इलाज करेगा वो आँखों में आ जाएगा, वो आँख का इलाज करेगा वो गले में आ जाएगा, वो गले का इलाज करेगा वो नाक में आ जाएगा। जो आप कह रहे हो ना वो बिल्कुल सही है, तो कभी आँख में हो जाता है मुझे, कभी यहाँ हो जाता है। बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा ही होता है सबके। अब वो माता जी तो ही नहीं कर रही, गले से हो रहा है कुछ खिंचाव पड़ रहा है वो ही फिर ऐसे दबाव तो पड़ेगा ना, लेकिन चीज तो वही है, उसी से हो रहा है ना, सब समझ में तो आ गया ना। फिर आओ अगला नंबर बोलो। पर्ची तो पहले इनकी खड़ी रह, खड़ी बैठना किस लिए है? पसरने के लिए नहीं बुलाई है, वहां बैठी तो थी, बैठी नहीं थी।